देखो भाई लोगों, रोहित शर्मा जब टीम इंडिया में आयो तो रोहित शर्मा की एंट्री टीम में इतनी जबरदस्त हुई, इतनी दसवीं एंट्री हुई कि पूछो ही मत ना। खुद जो क्रिकेट किंग है यानी जो विराट कोहली है, वो भी रोहित शर्मा को नाम सुन के एक बार तो चौंक गए। जब रोहित शर्मा टीम इंडिया में एंट्री करी तो पूरी टीम इंडिया में एक ही खबर पूछ रही कि एक ऐसा खिलाड़ी आया है वो बहुत ही खतरनाक है और बोल रहा की बहुत ज्यादा पिटाई करे। रोहित शर्मा जून 2007 में आयरलैंड के खिलाफ आपको वनडे डेब्यू करो, तो अब बताने रोहित शर्मा ने खेलना लगभग 17 साल हो गए। रोहित शर्मा की जो क्रिकेट की शुरुआत है वह बहुत ही जबरदस्त हो रही है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद में रोहित शर्मा खराब फॉर्म में आ गए। लेकिन भी टाइम में टीम इंडिया कप्तान हो MS धोनी, तो MS धोनी ने बेरो की रोहित शर्मा कितना खतरनाक खिलाड़ी है और ये खिलाड़ी आगे तक जा सके, तो इसलिए MS धोनी रोहित शर्मा ने ओपनिंग करने के लिए ऑप्शन दियो। तो रोहित शर्मा यू ऑप्शन एक्सेप्ट करो और एक्सेप्ट करने के बाद में रोहित शर्मा टीम इंडिया में ओपनिंग करी और ओपनिंग करके रोहित शर्मा टीम इंडिया को इटमैन बन गो। जब रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करी तो रोहित शर्मा रिकॉर्ड तक रिकॉर्ड तोड़ तो गयो। क्रिकेट के इतिहास में बहुत सारे रिकॉर्ड है कहीं जगह सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा का नाम ही, और ये आगे जाके भविष्य में कुछ साल तक रोहित शर्मा का नाम ही रहेगा। ये जो रिकॉर्ड यहाँ की बात करूँ तो इनमें पहला रिकॉर्ड है कि रोहित शर्मा ही अकेला तो है खिलाड़ी है जिसका नाम वनडे में सबसे ज्यादा रन है, यानी वनडे की एक पारी में रोहित शर्मा का नाम हाईएस्ट स्कोर 264 को है। अगला जो दूसरा रिकॉर्ड रोहित शर्मा का नाम है वो रिकॉर्ड यू है कि रोहित शर्मा वनडे की एक पारी में 186 रन तो मात्र चौका और छक्का से बनाए। तो रोहित शर्मा के अलावा कोई भी खिलाड़ी को नहीं जिसको 186 रन केवल चौका छक्का से यानी बाउंड्री से बनाया हुआ है। तो तीसरा जो रिकॉर्ड रोहित शर्मा का नाम है वो यू है कि रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा T20 खेलने को रिकॉर्ड आपको नाम कर रखे। अगला जो रिकॉर्ड रोहित शर्मा का नाम है वो रिकॉर्ड यू है कि रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा 4 शतक आपको नाम कर रखे। यह बात सिर्फ और सिर्फ T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के बारे में हो रही है। तो पांचवे रिकॉर्ड के बारे में अगर बात करूं तो पांचवे रिकॉर्ड रोहित शर्मा का नाम यू है कि रोहित शर्मा T20 में सबसे ज्यादा छक्का मारने का रिकॉर्ड आपका नाम कर रखे हैं। और साथ ही अगले रिकॉर्ड की बात करूं तो अगले रिकॉर्ड रोहित शर्मा का नाम यू है कि रोहित शर्मा जो तीन फॉर्मेट है यानी कि वनडे T20 और टेस्ट, तो तीनों ने मिला के भी सबसे ज्यादा छक्का मारवा को रिकॉर्ड भी रोहित शर्मा का नाम ही है। तो ये तो कुछ रिकॉर्डिंग जो रोहित शर्मा का नाम ही, बाकी और भी बहुत सारे रिकॉर्ड जो रोहित शर्मा आपका नाम कर रखे। टीम इंडिया कप्तानी MS धोनी के बाद में विराट कोहली ने मिली, और विराट कोहली के बाद में टीम इंडिया कप्तानी अब रोहित शर्मा का हाथ में है। तो रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया 2 एशिया कप जीते हैं और 1 एशिया कप टीम इंडिया गवा भी दिए। टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में निदास ट्रॉफी और भी अलग अलग देशों में जाकर सीरीज जीती है, लेकिन टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में वो जो वर्ल्ड कप जीतने का सपना हो वो पूरा क्यों नहीं कर सकी है। अब तक रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप को फाइनल गवा दियो, भी के साथ साथ T20 वर्ल्ड कप 2022 और वनडे वर्ल्ड कप 2023 भी गवा दिए। रोहित शर्मा की जो ये कमजोर निकल के सामने आई है, इनके बाद में ही BCCI रोहित शर्मा ने कप्तानी से हटा के हार्दिक पांड्या ने कप्तानी बनाने की सोच ली। T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में जब टीम इंडिया इंग्लैंड का 18-10 विकेट से हार गई, तो भी के बाद में से ही BCCI रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने T20 से दूर कर दिया और T20 की नियमित कप्तानी हार्दिक पांड्या के हाथ में दे दी, और सबने लाग रहा कि रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप 2024 से अब दूर रखे जाओगे। लेकिन भी के बाद में जब हार्दिक पांड्या वनडे वर्ल्ड कप 2023 में चोट लोगो, तो एक बार फिर से BCCI T20 वर्ल्ड कप कप्तानी रोहित शर्मा ने देने की सोच रखी है, और अब BCCI रोहित शर्मा और विराट कोहली इन दोनों खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में वापसी कराई है। ये दोनों खिलाड़ी लगभग 14 महीने बाद में T20 में टीम इंडिया के लिए खेलेंगे। तो अभी पूरी बात पुख्ता कुनी कि T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली और रोहित शर्मा ने मौको मिलसी या कुछ मिले, क्योंकि अगर IPL में हार्दिक पांड्या सही हो जाओगे और हार्दिक पांड्या को जो प्रदर्शन है वो ठीक रहोगे, तो हो सके कि BCCI आपको जो फैसला है विषय मुकर जाए, क्योंकि 2022 के T20 वर्ल्ड कप के बाद में BCCI आपको पूरा मन बना लियो कि टीम इंडिया की जो T20 वर्ल्ड कप 2024 की कप्तानी है बस सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या कर सी। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या पूरी तरह से ठीक नहीं हो सी तो रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप 2024 की कप्तानी कर सी। लेकिन ये जो वर्ल्ड कप है ये रोहित शर्मा को लास्ट T20 वर्ल्ड कप होगो यह बात तो पुख्ता है, लेकिन भी के अलावा रोहित शर्मा कब तक क्रिकेट से जुड़े रहोगे ये बात की जानकारी अब तक कोई है कोई। तो BCCI विराट कोहली की तरह ही रोहित शर्मा ने भी कप्तानी से हटाने को पूरा प्लान बना लियो, लेकिन एंड टाइम पे जब हार्दिक पांड्या चोट लोगो तो BCCI ने मजबूरन हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर से कप्तानी देनी पड़ी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर थानी वीडियो चोखा लगी हो तो वीडियो लाइक करियो और चैनल भी सब्सक्राइब करके वीडियो ने दोस्तों तक शेयर भी करियो।